गुड आफ्टरनून एवरी वैन दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन इस वीडियो में आप एस डी जी जो जितने हैं सत्रा उनको याद करने की ट्रिक सीखेंगे सभी सत्रह सतत विकास लक्ष्यों को याद करना बहुत ही कठिन होता है ख़ासकर उन्हें उसी क्रम में याद करना कठिन होता है जिसके कारण विभिन्न एग्ज़ाम्स में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें गलत होने की संभावना है किसी इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो गलत होने की संभावना है इसलिए आपके लिए मैं एक सरल सिंपल ट्रिक लेकर आया हूँ आप उसे याद कर लीजिए आप दो तीन बार लिख लीजिए बोल बोल के पढ़ लीजिए आपको फिर जीवन भर के लिए सभी सभी सत्रा सतत विकास लक्ष्य याद हो जाएंगे ट्रिक पढ़ने से पहले एक बार हम सत सभी सतत विकास लक्ष्यों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं पहला सतत विकास लक्ष्य शून्य गरीबी दूसरा शून्य भुखमरी तीसरा उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाँचवा लैंगिक समानता छठवां स्वस्थ लक्ष्य स्वस्थ जल और स्वच्छता सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्कृष्टकार आठवाँ उत्कृष्टकार और आर्थिक वृद्धि नौवां उद्योग नवाचार बुनियादी सुविधाएं, दसवां असमानताओं में कमी सम सम्म, ग्यारहवा शहर और समुदाय बारहवाँ संबहनी उपभोग उप और उत्पादन तेरहवा जलवायु कार्रवाई चौदहवा जलीय जीवों की सुरक्षा पंद्रवा थली जीवों की सुरक्षा सोलवाँ शांति न्याय और सख्त संस्थाएं और सत्रवा लक्ष्य हेतु वैश्विक भागीदारी अब इनको आप याद करेंगे बार बार तो कठिन पड़ेगा कन्फ्यूज़न में आप गलत भी बता सकते हैं या लिख सकते हैं जिससे नंबर ना मिलने की पूरी पूरी संभावना है इसीलिए आपके लिए सामान्य ट्रिक है सबसे पहले आप पहले से, से सात तक के सतत विकास लक्ष्यों को याद करने के लिए आप बस ये तीन लाइनें याद रखिए एक गरीब व्यक्ति को भूख न लगने की समस्या हुई अपने स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह नारी अस्पताल गई वहाँ उसे पता चला कि स्वच्छ जल ना पीने के कारण उसकी ऊर्जा कम हो गई है दो तीन बार इसको पढ़िएगा इसमें आप देख रहे होंगे कि एक गरीब की बोलने से आपको पहला गरीब याद आ जाएगा दूसरे से भूख तीसरे से स्वास्थ्य चौथे से शिक्षा पाँचवें से नारी सशक्तिकरण छठवें से, से स्वच्छ जल और सातवें से ऊर्जा इसको ट्रिक से आपको एक चीज़ और समझनी है अब पाँचवा जैसे नारी है तो आपको उससे नारी सशक्तिकरण समझ में आना है और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि किसी क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है जो कार स्थल पर नारियों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के प्रतिकार करता है तो उसमें भी पाँच एच डी जी फाइव ही माना जाएगा इस तरह से आपको मेन वर्ड याद करके उससे जुड़े सभी वर्डों को सभी वर्णों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है अब आइए बाक़ी एस के लिए बाकी एस के लिए ट्रिक थोड़ी सी कठिन है थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि वो संख्या में भी बड़े हैं और उनके शब्द जो हैं वो भी इतने सरल सिंपल नहीं हैं जितने पहले साथ थे ट्रिक है आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा व नवाचार बहुत ज़रूरी है इसके बिना ऐसी असमानता आएगी कि कोई शहर सुरक्षित नहीं रहेगा शहरों में अगर स्थायी खपत बनाए रखनी है तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही समुद्री संसाधनों की हानि और स्थल पर वनों की हानि को रोकना होगा इसके लिए समस्त समाज को वैश्विक भागीदारी से काम करना होगा आप देख पा रहे हैं आर्थिक विकास शब्द से आठवां सतत विकास लक्ष्य बुनियादी ढांचा व नवाचार नवा असमानता दसवाँ ग्यारहवां सुरक्षित शहरों का निर्माण बारवाँ स्थायी कपत के सुनिश्चितकरण करना तेरहवा जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना चौदह समुद्री संसाधनों की हानि पर कार्य करना पंद्रवा स्थल पर वनों की हानि और विभिन्न संसाधनों की हानि को रोकना सोलवाँ समस्त समाज के लिए संस्थाओं का निर्माण करना और सत्रहवा वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना इस प्रकार से इन दो ट्रिकों से आप सभी के सभी सत्रह के सत्रह सतत विकास लक्ष्यों को याद कर सकते हैं पी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी मिल जाएगी पर मैं चाहूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स इसकी बनाएँ स्वयं लिखें किसी एक ट्रिक रजिस्टर में क्योंकि आगे ही ऐसी और भी ट्रिकें आती रहेंगी और विभिन्न जीएस के टॉपिक्स की ट्रिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बार बार इस ट्रिक को आप बार बार पढ़िए दो तीन बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगी धन्यवाद